हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं द स्लेजहैमर। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रामानुजन के इनफाइनाइट रूट, क्रेजी इनफाइनाइट रूट और इनफाइनाइट फ्रैक्शन के बारे में। देखिए, मतलब यहाँ पे कुछ समझाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। अगर आप लोग मेरा वीडियो आगे देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है। मतलब रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन जो हैं वो इनफाइनाइट फ्रैक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है कि मतलब आप एक वीडियो में नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया है, आप लोग देखिएगा जरूर इस वीडियो को फाइनल, मतलब लास्ट तक, ठीक है गाइस। तो गाइस, स्क्रीन में आप लोग जिसको देख रहे हैं इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं तो ज़रूर इनको पहचानिएगा, ठीक है। तो गाइस, आज इन्हीं के बारे में, इन्हीं के एक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जो श्रीनिवास रामानुजन है, इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट एक्सप्रेशन के ऊपर। वैसा ही एक इनफाइनाइट एक्सप्रेशन है उनका इनफाइनाइट स्क्वायर रूट, ठीक है। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे सब जगह पे वन है और ये टू थ्री फोर ऐसे बढ़ रहा है। तो गाइज, इनका वैल्यू श्रीनिवास रामानुजन ने बोला था कि थ्री होगा। कैसे होगा ये गाइज, देखिए ये थ्री कैसे हो रहा है कि थ्री को हम लोग रूट नाइन लिख सकते हैं। अब रूट नाइन को उन्होंने लिखा वन प्लस एट। अब वन प्लस एट जो है ना, एट को चेंज करके लिखा टू इंटू फोर। उसके बाद इन्होंने फोर को लिखा रूट सिक्सटीन, ठीक है। तो गाइज, रूट सिक्सटीन जो लिख दिया इन्होंने, इसके बाद सिक्सटीन को फिर तोड़ के वन प्लस फिफ्टीन कर देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए आप लोग कैसे, वन प्लस फिफ्टीन, फिर फिफ्टीन को थ्री इंटू फाइव, ओके गाइस। उसके बाद फाइव को फिर रूट ट्वेंटी फाइव लिखेंगे और ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक है। और आप लोग समझ रहे हैं कि वो एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अब देखिए, इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था, पर गाइस इसको करने के और भी मेथड है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो चीज़ है इसका वैल्यू, अगर मैं बोलूं फोर है, फोर अगर बोलूं तो भी आप नहीं गलत बोल सकते। देखिए, फोर को रूट सिक्सटीन लिख सकते हैं। अब रूट सिक्सटीन को अगर हम लोग बोलेंगे कि वन प्लस फिफ्टीन, प्लीज, फिर फिफ्टीन को बोलेंगे कि वन प्लस टू इंटू टू ट्वेंटी फाइव बाई फोर। उसके बाद अगर हम लोग इसको भी चेंज करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो भी हो सकता है। तो गाइस, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया था वो गलत था, ठीक है। मतलब श्रीनिवास रामानुजन ने जो बोला था वो गलत था। पर गाइस, आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत ही बड़े जीनियस थे, ठीक है। मतलब मैथ्स के दुनिया में वो, अगर आप लोग टॉप थ्री मैथमेटिशियन का नाम लेंगे तो भी शायद उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस, तब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ दूसरे चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जो अभी दिखाने जा रहा हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें भी ये चीज़ बोला गया है। देखिए, वन को हम लोग लिख सकते हैं टू बाई टू, नीचे वाले टू को लिख सकते हैं थ्री माइनस वन, और अगर ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे तो एक इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम अगर हम लोग टू को लिखेंगे टू बाई वन और नीचे वाले को थ्री माइनस टू, फिर ऐसे लिखते जाएंगे तो भी एक इनफाइनाइट एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से वन इक्वल टू टू का एक कॉन्ट्रेरी आ सकता है। तो गाइज, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, या फिर आप लोग ऊपर जो आई बटन है उसमें क्लिक करके भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब देखिए कि यहाँ पे गलत क्या है, ठीक है। तो गाइज, अगर हम लोग नॉर्मल एलजेब्रा फॉलो करेंगे तो यहाँ पे अगर इसका पूरा का वैल्यू x ले लेते हैं और नीचे अगर हम लोग, मतलब ये जो वैल्यू है इसको भी हम लोग x बोल सकते हैं,
तो अगर हम आपको ये पीरियडिक टाइप का अगर इनफाइनाइट फंक्शन फ्रैक्शन या फिर इनफाइनाइट रूट्स मिलता है तो आप लोग ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स बैठा देते हैं और अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का 1 और 2 दो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस इससे भी हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ कि वहाँ पे 1 इक्वल टू 2 में गलत किया था। ठीक है, तो गाइस आगे देखते रहिए इस वीडियो को। अब देखिए कि अगर हम लोग इस इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में जाए तो अगर आप स्लेज हैमर का वीडियो देख रहे हैं तो आप इस इनफाइनाइट एक्सप्रेशन को ज़रूर पहचानते होंगे। ये इसका वैल्यू है 5, यानी कि गोल्डन रेशियो। ठीक है, तो गाइज देखिए अगर हम लोग नीचे वाले को एक्स लिख देंगे, ऊपर वाले को पूरा का एक्स मान के नीचे वाले को भी एक्स लिख देंगे, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये गोल्डन रेशियो का ही इक्वेशन है, तो गाइज एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ से भी क्या 1 इक्वल टू 2, मतलब प्रूफ कुछ तो हुआ नहीं उसका। तो गाइज देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे 5 का वैल्यू है 1.618039 ऐसे कुछ है, तो गाइज हम लोग यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका वैल्यू लेते हैं 1। अब गाइज अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2, फिर नेक्स्ट स्टेप 1.5, नेक्स्ट स्टेप 1.66, नेक्स्ट 1.6, 1.625। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे वहाँ पे देखें कि धीरे धीरे 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है वैल्यू, यहाँ पे भी अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, देखिए 2/3, 0.66, 0.85, 0.93, तो 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। ठीक है, पर गाइज अगर हम लोग इसको देखेंगे, मतलब उसी फ्रैक्शन को ऐसे अलग तरीके से देखेंगे, ये है 2, फिर भी 2, फिर 2, फिर से 2, तो गाइज यहाँ पे आ गया फिर से 1 और 2 का कॉन्ट्रेरी। तो गाइज क्या कर देखिए क्या है बात बात कुछ ऐसा है ना कि अगर आप इस इनफाइनाइट फ्रैक्शन को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो भी बोलेंगे वही सही है, पर गाइज आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, हज़ारों 100 साल से मतलब इन सारे इनफाइनाइट फ्रैक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, और गाइज ये देखा गया है कि सेकेंड मेथड जो दिखाए हैं जिसमें 2 वैल्यू आया वो गलत है, वो सही नहीं है वो मेथड। तो गाइज पहला वाला मेथड ही आप लोगों को अप्लाई करना है। तो गाइज अगर आप 9th-10th के एलजेब्रा से अगर आप लोग इसको वैल्यू बोलना चाहते हैं तो 1 और 2 दोनों बोल सकते हैं, पर अगर आप लोग हायर मैथमेटिक्स में घुसते हैं तो गाइज आपको इसका वैल्यू 1 ही बोलना पड़ेगा। तो गाइज मैंने पिछले वीडियो में यही क्वेश्चन रख दिया था और आज मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है गाइज, तो गाइज इसके बाद हम लोग आते हैं उस चीज़ के बारे में, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भी हमने मतलब जो पीछे शुरू किए हम लोग आज, तो इसको हमने ढक दिया है। तो देखिए 1.732, उसके बाद अगर थोड़ा कम ढके हैं तो 2.236, और फिर कम ढकेंगे तो 2.5598। तो गाइज ये धीरे धीरे 3 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो गाइज श्रीनिवास रामानुजन सही थे पर उनका आर्गुमेंट थोड़ा गलत था। ठीक है, तो श्रीनिवास रामानुजन बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो गलत नहीं हो सकते हैं। गाइज आज के लिए बस इतना ही, आगे देखते रहिए इस चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।